आज तक कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगाते, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते, ठेला चलाते हैं। हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। कोरोना संकट के दौर में स्ट्रीट वेंडर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ऐसे लाखों लोगों की जीविका को पुनर्जीवित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक का लोन लेकर अपना व्यापार नए सिरे से शुरू कर सकता है। पहले कर्ज के भुगतान पर वो दूसरे और तीसरे चरण में 20,000 रुपए और 50,000 रुपए का लोन ले सकता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत लाखों वेंडर्स को लोन दिया जा चुका है, जिसमें से 40% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं। स्ट्रीट वेंडर नगर निकाय कार्यालय या पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस लोन के लिए किसी भी सिक्योरिटी अथवा कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। लोन की राशि समय से लौटाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 रुपए तक का प्रति माह कैशबैक दिया जाता है। लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की वजह से हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहन हैं, अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। आपके नगर के अंदर ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको मोबाइल फोन पर डिजिटल ट्रांजेक्शन सिखाइए। ये योजना सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना का उद्देश्य उनके पूरे परिवार का सामाजिक और आर्थिक विकास कर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के परिवार को भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें बीमा, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, श्रम कल्याण और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जोड़ा जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का ऑनलाइन ऑर्डर लेने के बाद होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने लाखों रेहड़ी पटरी वालों को न केवल पहचान दिलाई है, बल्कि उनके लिए विकास का एक नया दौर शुरू किया है।